जय भोलेनाथ की, डर नहीं किसी बात की। ये झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं डर लग रहा है। जो है घट घट का वासी उसे कहते हैं क्या, राइडर ऑफ काशी। क्या कहते हैं? राइडर ऑफ काशी। भैया जी, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से हूँ। क्या बात है सर, हम श्रीखंड महादेव के हमने लोगों ने बहुत ही, यहाँ आने वाला जो भी व्यक्ति है वो कभी भी निराश होकर वापस नहीं जाता है। क्या बात है। तो दोस्तों, हम लोग अभी 2 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, 1 किलोमीटर बचा है हमारा सिंघाड़ का। हर हर महादेव, बोले बोले बोले, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय बम भोले। तो दोस्तों, मैं निकल रहा हूँ श्रीखंड महादेव ट्रैक के लिए, जो कि काफी ऊंचाई पे है। ऊंचाई की बात करूँ तो हाँ, 18,000 के आसपास की ऊंचाई है, फीट में है दोस्तों ऊंचाई। और जो श्रीखंड महादेव जी का जो शिवलिंग है वो 72 फीट ऊंचा है। तो आज मैं निकल रहा हूँ वहाँ के लिए। तो आइए मैं अपना आपको रस्क बैग दिखाता हूँ। ये मेरा रस्क बैग है और इसका जो वजन हो गया है वो लगभग 14 किलो के आसपास हो गया है। और ये मेरा हैंडबैग है, इसमें मैंने अपने पर्स और गैजेट रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, और साथ में मैंने चार्जर भी रखा हुआ है और कुछ मेडिसिन भी रखी है। और ये मेरा सेल्फी स्टिक है दोस्तों, इसकी मदद से मैं वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल सुबह हम पहुँचेंगे रामपुर ब्रुशर, वहाँ से फिर जाएंगे हम एक शंकर भगवान का मंदिर है देवदान में, दर्शन करेंगे। और कहा जाता है कि इनके दर्शन के बाद जो है श्रीखंड महादेव की यात्रा की जाती है दोस्तों, और यात्रा आपकी सफल होती है। उसके बाद हम जाओ विलेज में जाकर वहाँ पे नाइट स्टे करने वाले हैं। तो बने रहिए राइडर ऑफ काशी पे अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए। तो चलता हूँ, जो है घट घट का वासी उसे कहते हैं राइडर ऑफ काशी। दोस्तों, इस समय मैं कश्मीरी गेट के ISBT बस स्टैंड पे आ चुका हूँ। यहाँ से हमारी जो है बस जाएगी, बस की टाइमिंग है 7:30 बजे, और ये हमें सुबह में 10:30 बजे रामपुर ब्रुशर में ड्रॉप करेगी। तो आइए अंदर चलते हैं और अपनी बस देखते हैं कहाँ पे लगी है। ये हिमाचल रोडवेज की बस है दोस्तों, वॉल्वो बस है, हिम सूता कहते हैं इसे, और इसका किराया भी मैं अभी आपको बताऊँगा। और ये देखिए G20 का जो है बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, सितंबर में जो है अपने देश में जो है इसका जो है मीटिंग और कार्यक्रम होने वाला है। और ये हम आ चुके हैं बस स्टैंड के कॉन्कोर्स एरिया में, अपना सिक्योरिटी चेक करा लिया है और हम लोग अब जा रहे हैं नीचे बस स्टैंड की ओर। तो आइए देखते हैं, इधर से एक रास्ता बनकर रखा है और काउंटर पे पता किया है तो 20 या 21 नंबर पे जो है हमारी अब बस लगी हुई है। आइए उसमें चलते हैं और देखते हैं, अपनी सीट नंबर 19 और 20 है, और हमारा साथी अभी आने वाला है मिस्टर अंकुश, तो उससे मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, इस समय राइडर ऑफ काशी जो है यात्रा पे निकल चुका है श्रीखंड महादेव के लिए। तो आइए चलते हैं, हमारी पीछे बस है, इसमें हम जा रहे हैं, तो आइए अंदर चलते हैं। तो ये है दोस्तों दिल्ली का ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड, यहाँ पे अंतर्राज्यीय बस सेवा मिलती है। और ये वाला जो काउंटर है वो सारा आपका हिमाचल वालों का है, और यहाँ से हिमाचल, फिर इसके बाद इधर पंजाब, फिर आगे हरियाणा, और बैक साइड में जो है यूपी का है। तो यहाँ पे ये वॉल्वो बस स्टैंड है और इसी से हम जा रहे हैं। अब ये देखो शाम हो चुका है दोस्तों, जाने वाले हैं हम लोग रामपुर के लिए। तो दोस्तों, ये हमारी बस लग चुकी है 21 नंबर काउंटर के पास जो है हिमाचल का है, और ये दिल्ली से रामपुर जा रही है, इसी में हम यात्रा करने वाले हैं। और हमारी सीट जो है वो इधर ही कहीं है, 19 और 20 नंबर है, और इसमें हम लोग ट्रैवल करके जो है जाने वाले हैं हम रामपुर। तो ये अंदर से है दोस्तों, और यहाँ से हम अंदर चलेंगे, और ये यहाँ ड्राइवर बैठे हैं हमारे, और उसके बाद सीट हमारी पीछे है। तो दोस्तों,
दोस्तों हम लोग बस के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए अभी धीरे धीरे यात्री लोग आ रहे हैं और कुछ लोग इसमें रामपुर जा रहे हैं जो कि श्रीखंड महादेव यात्री हैं। ये हमारी सीट है और अंकुश आ चुका है, बैठा हुआ है। अब ये मेरी सीट है, आइए बैठते हैं। दोस्तों इस समय बस जो है करनाल के पास रुकी हुई है। गवर्नमेंट का एक रेस्टोरेंट है, हिमाचल हरियाणा टूरिज्म ने जो है इसको डेवलप किया हुआ है। अभी मैं बाहर से दिखा दूंगा और यहाँ पर जो है हम अपना डिनर कर रहे हैं। मैंने घर से कुछ पराठे लाए थे और चाय ऑर्डर कर दिया, तो उसको खाकर जो है अपना डिनर ख़त्म कर। तो दोस्तों ये पराठा है, प्याज पराठा, साथ में ये अचार है आम का। ये मेरे मित्र की मम्मी ने भेजा था मेरे लिए गोरखपुर से, अचार आम का है। और ये मुझे अभी यहाँ सचिन जी मिले हैं और ये भी हमारे साथ यात्रा में जा रहे हैं। तो अभी सचिन जी ने अपना ऑर्डर किया हुआ है डिनर के लिए, थाली मंगाई है। और ये अंकुश आ गया, ये खा के आया हुआ है, तो आइए अपना डिनर फिनिश करते हैं। तो दोस्तों ये है करनाल के पास हमारा रेस्टोरेंट, ओएसिस फूड है आपका। ये जो है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है और यहाँ पे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे आइए और आकर जो है अपने फूड और लंच डिनर को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं शिमला से करीब, काफ़ी आगे हैं और नारकंडा निकल गया था, नारकंडा सोते सोते निकला है, पता ही नहीं चला। उसके बाद दोस्तों अभी हम लोग जो है कुमार सेन एक ब्रेकफास्ट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं, आप यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और यहाँ के आप नज़ारे देखो। वो देखो नज़ारे, और दोस्तों वो जो आप देख रहे हो ना हल्का वाइट वाइट, तो वो सेब के बगान है। वहाँ पर जो है सेब को जो है ढका हुआ है, कवर किया गया है ताकि वो पक्षी लोग जो है उसको नुकसान ना कर सके। जस्ट अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। तो ये रही हमारी बस और आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ से जो है आपका ये रामपुर जो है लगभग 35 किलोमीटर है, तो मान के चलते 1.25 घंटे में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएँगे। अभी हम लोग रामपुर से थोड़ा पहले रुके हैं, लगभग 20 से 25 किलोमीटर बैठे। हमारे ग्रुप में एक मित्र हैं दिनेश जी, उनके यहाँ पे मित्र हैं और उनका ये होम स्टे है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, तो ये सतलुज रिवर व्यू के नाम से होम स्टे, यहाँ पर हम रुके हुए हैं। तो आइए मैं आपको इनको रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और ये है रूम, यहाँ पे हम फ्रेश होंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके जो है हम निकल जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप जो है देवडांग के महादेव जी का दर्शन करने के लिए। आइए मैं आपको सतलुज रिवर का व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए वो सतलुज नदी जा रही है दोस्तों वहाँ से, और ये सीधा जा रही है आगे तक। तो आइए चलते हैं, तो आइए दोस्तों चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं क्योंकि कल शाम से सफ़र में है, लगभग 12 घंटे से तो ऊपर हो ही चुका है। और फ्रेश होकर फटाफट ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, महादेव से परमिशन लेते हैं देवडांग में। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो आइए अंदर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। और ये अंदर का जो आप देख सकते हो व्यू, और ये देखिए छोटा सा प्यारा सा घर, और ये भैया ने यहाँ पे सेटअप कर रखा है। और ये देखिए यहाँ पर जो है आप बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ जो अच्छी बात क्या है कि रिवर व्यू जो है आपको सतलुज का, वो यहाँ पर बड़ा प्यारा दिखता है दोस्तों। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो इस रेस्टोरेंट से आप देख सकते हो ये रिवर व्यू बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और ये देखिए बादल, कितना मनोहर दृश्य है और बढ़िया लग रहा है दोस्तों। काफ़ी
अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। यहाँ से फिर हम देवदांग जाने वाले हैं और फिर वहाँ से जो है सिंघाड़ के लिए 3 किलोमीटर की आज की हमारी चढ़ाई है। तो बने रहिए राइडर ऑफ काशी पे दोस्तों। और ये हमारे डीके भैया है, और ये डीके भैया हमारे, इन्होंने यहाँ पे हमें होम स्टे के लिए रोका और साथ में भी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। हमारी टीम है और एक टीम दोस्तों हमारी अभी आ रही है, अभी वो नारकंडा क्रॉस की है, उसमें करीब 15 लोग हैं और इसके बाद कुछ लोग जो हैं गुरुजी जो हैं वो आपका जाँव विलेज में हमारा वेट कर रहे हैं कि हम आएँ उनसे मिले, और नाइट स्टे आज उधर ही करना है, उसके बाद जो है हम कल चढ़ाई करेंगे थारचू की। तो आइए ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा पराठा आ गया है और साथ में दही आ गया है। आइए अपने ब्रेकफास्ट को जो है लेते हैं। पराठा आज हमारा परौठा बनाएगा। हाँ को तिलक लगा दिया है और हम लोग अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अभी देवडांग के लिए जा रहे हैं और ये सचिन भाई, तो आइए चलते हैं दोस्तों हर हर महादेव बोल के। तो दोस्तों हमारी श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू हो चुकी है और अब हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अभी जाएंगे हम देवडांग, वहां पे शिव भगवान से परमिशन लेंगे। ये हमारी टीम बन चुकी है, ये हमारे दिनेश सर हैं, ये डीके भाई, ये सचिन और ये अंकुश, और मैं राइडर ऑफ काशी। अब वो डीके जी की मम्मी हैं और वो अच्छा मदर इन लॉ हैं। तो बने रहिए राइडर ऑफ काशी पे अच्छी अच्छी वीडियो के लिए, और कभी आप होम स्टे पे आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं सतलुज रिवर व्यू पे। ये सतलुज नदी के एकदम बगल में ही है और देवडांग के पास है, तो यहाँ पे आके आप फ्रेश अप हो सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच का भी प्रबंध है, और साथ में अगर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। तो सारे बोलेंगे जोर से हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्रीखंड महादेव जी की। तो दोस्तों आइए चलते हैं। हम लोग नीरथ से अभी देवडांग जा रहे हैं जो कि 7 किलोमीटर है, और वहां पे जाएंगे, वहां पर हम शंकर भगवान से परमिशन लेंगे अपनी यात्रा के लिए, ताकि हमारी यात्रा जो है सकल पूर्वक पूरी हो जाए और अच्छे से हम लोग दर्शन कर श्रीखंड महादेव जी का और वापस अपने घर को लौटे। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों ये देखो हम लोग पिकअप जीप में है और ये डीके भैया के सौजन्य से हो गया है और हम लोग जा रहे हैं अभी देवडांग जा रहे हैं। तो जोर से बोलेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों हम लोग ओपन जीप में जा रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। ये ट्रैवलर में मजा ना आता। हाँ ये ट्रैवलर में मजा नहीं आता बंद बंद, लेकिन ये जीप में मजा आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग ने अभी देवडांग के लिए थोड़ी चढ़ाई शुरू कर दी है। ये जस्ट वार्म अप ट्रैक है जाँव विलेज के लिए।
तो दोस्तों हम लोग अभी देवडांग पे आ गए हैं, जा रहे दर्शन करने। आइए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं, और इसकी क्या मान्यता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है रास्ता दोस्तों, यहाँ से हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे दर्शन करेंगे। और यहाँ की कहानी एक्चुअली क्या है दोस्तों, कि शिव भगवान पहले यहीं पे रहते थे और यहाँ पर ही भस्मासुर को उन्होंने वो वरदान दिया था कंगन के रूप में, कि जिसके सर पे भी भस्मासुर हाथ रखेगा अपना तो वो भस्म हो जाएगा। तो यही है, आइए अंदर चलते हैं। तो ये दोस्तों इस सक्रिय गुफा से जो है अंदर जाना है। ये है ना पूर्व निशान, ये है ना, ये हाँ ये है। अन्ना जी ये जो आकार है अपना, और ये दोस्तों सामने आप देख सकते हैं ये है वो भस्मासुर के नाखूनों का निशान। तो दोस्तों ये वही मंदिर है जहाँ पर भस्मासुर ने तपस्या कर शंकर भगवान से भस्म करने वाला कंगन जो है प्राप्त किया था अपनी कठिन कठोर तपस्या के बाद। तो ये उसके नाखूनों के निशान थे, और यहाँ पर आगे कई देवी देवता हैं, जैसे हनुमान जी है, शंकर जी का शिवलिंग है, साथ ही साथ श्रीखंड महादेव से जो पानी है दोस्तों वो बह के यहाँ पर आता है, ऐसी यहाँ पर मान्यता बताई जा रही है। ओम नमः शिवाय। बस मैं सूर्य उनको भस्म करने आ रहा था शिव भगवान को, तो यहाँ से चले गए थे। अच्छा, शंकर भगवान यहाँ से चले गए थे। यहाँ देखो ऊपर, अब तो बंद है। अच्छा, वो तो बहुत पहले की हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नाखून भी है, यहाँ देखो। हाँ ये दिख रहे हैं नाखून। हाँ ये नाखून बग रहे, और फिर शिव भगवान के जटाओं से पानी भी आता है। अच्छा, पानी भी आता है, कभी बाहर आता है। और ये पानी ये भर रहा है ना। हाँ हाँ, ये पानी ऊपर वहाँ से आया है। कहाँ? श्रीखंड से। श्रीखंड से। अच्छा, और ये हमारे गणपति। ठीक है, ये हमारे दो नाग, जय भोले की। और ये है गंगा माता की जीभ, ये पानी चढ़ाती शिव जी भगवान को, ये मैन शिवपिंडी, जय बाबा। ये शिवपिंडी, और ये माता, जय माता पार्वती, जय माता। तो दोस्तों इसी नीचे से यहाँ से हम लोग निकले हैं मंदिर से, बड़ा सकरा रास्ता है, लेकिन अगर मन में आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी है और आप में सकारात्मक ऊर्जा है तो आप आराम से यहाँ से निकल जाओगे। आइए चलते हैं हम लोग वापस, और अब हम जाओ गाँव जाने वाले हैं। ये देखो दोस्तों नज़ारे, क्या कहना इनका, सांसें फूल रही है, एक्मलाटाइजेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं दोस्तों। और ये देखो
तो दोस्तों ये है बागी पुल, इससे जाओ विलेज हम जा रहे हैं। और आप ये सतलुज नदी को देखो, कितने प्रवाह कितने तेजी से जो है ये बह रही है। जय भोलेनाथ की, डर नहीं किसी बात की। ये झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, डर लग रहा है। नहीं थोड़ा सा लग रहा है। और ये गाड़ी आ गई है। तो जय भोलेनाथ की, डर नहीं किसी बात की। थोड़ा सा किसी बात का नहीं, कोई डर नहीं है। हाँ बारिश हो रही है, वो देखिए आप। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो है घट घट का वासी उसे कहते हैं क्या? राइडर ऑफ काशी। क्या कहते हैं? राइडर ऑफ काशी। तो दोस्तों ये है बागी पुल और यहाँ से ये सतलुज नदी जा रही है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नज़ारे यहाँ के। और हल्की हल्की बारिश हो रही है। वो हमारी बस रुकी हुई है। यहाँ से 6 किलोमीटर जाओ विलेज है, वहाँ जाएंगे हम। तो ये एक छोटा सा गांव कह लीजिए, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ये बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है। लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी यात्रा को यहाँ से शुरुआत करते हैं जाओ विलेज के लिए। तो ये भैया बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हर हर महादेव। जय श्री महादेव। तो आप कहाँ से हैं भैया? जी मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से हूँ। क्या बात है। श्रीखंड महादेव के हमने लोगों ने बहुत ही, यहाँ आने वाला जो भी व्यक्ति है वो कभी भी निराश होकर वापस नहीं जाता है। क्या बात है। तो आप पहली बार आ रहे हैं? जी इसीलिए मैं, कई लोग आए उन्होंने बताया कि श्रीखंड महादेव के दर्शन करने से ये चमत्कार होता है, तो मैंने कहा देखूँ मैं भी जाकर के। दोस्तों इस समय हम लोग जाओ विलेज में आ चुके हैं और 4:30 बज रहा है। मस्ती करते हुए आए हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया है। अब यहाँ से जो है हम सिंघाड़ जाएंगे, देखते हैं, या फिर जहाँ पे भी अच्छी व्यवस्था होगी रुकने की तो वहाँ पे आज हम रात निकालने वाले हैं। और कल जो है रजिस्ट्रेशन कैंप जाके वहाँ पे अपना एंट्री कराकर और फिर जो है हम थारचुरू के लिए चढ़ाई करेंगे, जिसका जो किलोमीटर है वो 12 किलोमीटर है। फ्रेंड्स जब आप जाओ गाँव आएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टॉल मिल जाएगा और ये दीदी हैं, यहाँ पे हर प्रकार का सामान आपको मिल जाएगा। भोले बाबा, जय श्रीखंड महादेव। तो अब पहाड़ पे आए तो थोड़ा सा तो कॉस्टली होगा दोस्तों। त्रिशूल मिल जाएगा, डंडे मिल जाएंगे, रुद्राक्ष, हिमाला, झंडे, जो चाहिए यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला, प्रसाद मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ की, डर नहीं किसी बात की। तो दोस्तों अब हम लोग जाओ विलेज से चल चुके हैं सिंघाड़ के लिए और थोड़ा सा कीचड़ भरा रास्ता है, संभल के चलना है। आगे आगे आगे। हाँ तो ये देखो सारे दोस्तों चल चुके हैं। हाँ मुझे तो लगता है आगे तक लेके आए होंगे ये। हाँ ले गए। हाँ ये भी हो सकता है। ते हो ये एप्पल के यहाँ पे पेड़, यानी सेब के पेड़ है, अभी कच्चे हैं और काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए यहाँ पर और हर जगह एप्पल ही एप्पल है, कच्चा है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग दिल्ली से सिंघाड़ तक का कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगली ब्लॉग में हम दिखाएंगे आपको हम सिंघाड़ में रजिस्ट्रेशन कैसे करें और साथ ही साथ हमने थारचुरू में चढ़ाई कैसे की। तो बने रहिए राइडर ऑफ काशी चैनल पर। जो है घट घट का वासी उसे कहते हैं राइडर ऑफ काशी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।